भगवान गुड़लियाँ चलने लगे, कभी खेलते हैं, माँ उनका श्रृंगार करती है, बहुत सुंदर स्वरूप है, सब मोहित हो जाते हैं। एक दिन मैया गोद में लेकर दूध पिला रही थी, भगवान थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, मैया आपको दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? 9 लाख गैया थी नंद बाबा के घर में, बहुत गैयों का दान दिया, धन धान्य का दान दिया। माँ कहने लगी, अरे लाला मुझे तो पूत प्यारा है, इतने में चूल्हे पर दूध रखा था, दूध उफन के नीचे गिरने लगा, तो मैया भगवान को वहीं छोड़ के और दूध संभालने चली गई। माताएं उसमें पानी छिड़कती हैं उफन दे दूध में। अब कहने लगे, देखा अब तो कर रही थी पूत प्यारा है, लेकिन इसको तो दूध प्यारा है। भगवान ने क्या किया, एक डंडा लिया, मैया की जितनी कढ़ोनी बिलोनी रखी थी ना दूध की मक्खन की, वो फोड़ दी, बिखर गया। अब मैया गुस्सा हुई, भगवान मुंह फैलाकर बैठ गए, तो माँ ने उनको बांध दिया रस्सी बांध के, और जब भी बांधती छोटा छोटी रस्सी पड़ जाती है, क्योंकि भगवान अहमता और ममता की रस्सी से नहीं बंधते हैं। फिर माँ पर करुणा आई, भगवान बंध गए, उखड़ के बांध दिया, माँ अपने काम में लग गई। भगवान उस इतने भारी उखड़ को घसीटते हुए जो आंगन में अर्जुन यमला वृक्ष थे उनके बीच में फंसा दिया, और दोनों पेड़ धराशायी हो गए। वो कुबेर के बेटे थे, नलकुबर और मणिगरीब, नारद ने श्राप दिया था और दोनों का उद्धार हो गया। गरीब अर्जुन जमला वृक्ष है, ऊब सूख तन दे, चतुर्भुज जी पाड़े तहां मिट है सकल संदेह। अर्जुन जमला वृक्ष का उद्धार करके और फिर बैकुंठ में भेज दिया। उसके बाद भगवान ने सोचा, हम तो सभी ग्वाल बाल गैया चराते हैं, गौचारण लीला की भगवान ने, और मक्खन जो सारा दूध दही है मथुरा में जाता है, और हम रखवाली करें और वो पहलवान पाल रखे हैं, ग्वाल बालों की टोली इकट्ठी करके कहने लगे अपनी एक मंडली बनाते हैं, और उसका सरदार भगवान, उसका नाम रख दिया बाल गोपाल चोरिया प्रचार मंडल। कहने लगे चोरी करेंगे। ग्वालों ने कहा, अरे कन्हैया तू तुम्हारे घर में इतना सब कुछ माल भरा, चोरी सिखाता है? कहने लगे चोरी करेंगे कैसे, हमने तो कभी की नहीं, अपने घर से प्रैक्टिस करते हैं। सब ने अपने घर से चोरी की, कोई पिट गया, कोई बच गया, किसी के थप्पड़ लगे, अगले दिन फिर कदम के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। कहने भी कैसे रहा, सब ने अपनी घटना बताई। फिर कहने लगे अपने घर में नहीं, अब दूसरे के घरों में करेंगे, क्योंकि ये भी दूसरे के घरों में से मथुरा में माखन जाता है, हम खाया करेंगे। तो कहने लगे भी चोरी करें कैसे, भगवान ने कहा मैं बताता हूँ, पीछे से प्रवेश करेंगे। तो घरों में घुसकर भगवान माखन चोरी लीला करने लगे, और फिर सब गोकुल में हल्ला हो गया कि ये सोदा नंद का लाला जिनके 9 लाख गैया फिर भी चोरी करते हैं। तो जिस भी गली से निकलते हैं तो सब कहते हैं, अरे माखन चोर आ गया, माखन चोर आ गया, इनको पकड़ो। तो माखन चोर नाम पड़ गया, और फिर भगवान ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, बंदरों को भी डाल देते हैं। तो उस दिन से भगवान का माखन चोर नाम पड़ गया। आइए मेरे साथ एक भजन गुनगुनाइयो। चोरी चोरी माखन खा गयो रे नटखट कन्हैया, चोरी चोरी माखन खा गयो रे नटखट कन्हैया, चोरी चोरी माखन खा गयो रे कन्हैया को लेकर आओ भाई माखन चोर को। चोरी चोरी माखन खा गयो रे।
कंजरिया भगवान की। रोजाना उलाने लेकर आने लगे, मैया कहने लगी तुम झूठ बोलती हो, मेरे लाला के इल्जाम लगाती हो, और हमारे घर में तो 9 लाख गायें हैं, कमी नहीं है। कहेंगे पकड़ के दिखाओ क्या चोरी की है। कहेंगे चोरी चोरी नहीं, डराता भी है। मैया एक दिन मेरे घर में आया और ये हवा कह के डराता है, मेरी ललिया खटिया पर लेटी थी, उसकी चुटिया खटिया की पटिया के बांध गए, मेरी लाली की चोटी इतनी बड़ी सो रही थी, चोटी पकड़ के खाट के पटिया पे बांध गया, और कान में ये कह दिया हवा, मेरी लाली उठी, उठ के जैसे ही भागी पीछे पीछे खाट, और मेरी लाली तो डर गई, ये ऐसे ऐसे काम करे तेरा लाला, अब की बार पकड़ के दिखाना। तो भगवान को मन ही मन याद भी करती हैं कि कन्हैया हमारे घर माखन खा के जाए, फिर उलाना लेकर भी आती हैं, और मटकियां जब लेकर जाती है तो भगवान ग्वाल बालों की टोली लेकर और कदम के पेड़ पर बैठ जाते हैं और उनकी मटकी फोड़ते हैं, फिर वो खुश भी होती हैं और कान्हा के कान पकड़कर उनके चाटे भी लगाती हैं। तो माँ के पास उलाना लेकर आती हैं। अब ब्रज की गुजरियां आएंगी लाइन में, आप आनंद लिए गुजरियों को लेकर आएंगे भाई, और माँ के पास वो उलाना देंगी कि ये हमारी मटकी फोड़ते हैं। मारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल ने, मारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल ने, मारी मटकी फोड़ी I'm not afraid.
बोले नटखट भगवान की। भगवान ने जब ऐसी लीला की, ब्रह्मा जी के मन में भ्रम पैदा हो गए, परमात्मा कैसे हो सकते हैं, देखो दूसरों के साथ गोरस खा रहे हैं, झूठी लस्सी खा रहे हैं, महमूद मंगल के साथ बछड़े और गौओं को चुरा के ब्रह्म लोक में ले गए, हजारों हजारों गैया को और ग्वाल बालों को। भगवान समझ गए ब्रह्मा जी बुजुर्ग हो गए और भ्रम पैदा हो गया, तो इतने ही स्वरूप धारण कर लिए, इतने ही भगवान ग्वाल बाल बन गए और इतने ही बछड़े गैया बन गए। सबके घरों में क्या भावना थी कि भगवान हमारे घर भी रहे, हमारे घर भी रहे, तो भगवान ग्वाल बाल और गैया बनकर रहे। और ब्रह्मा ने जो सोचा मैं लेकर गया हुआ हूँ, तो एक वर्ष बाद जब आए तो देखा इतने ही ग्वाल बाल गैया चर रहे हैं, खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी का भ्रम दूर हुआ। उस प्रसंग को हमारे आचार्य सदगुरु गरीबदास जी महाराज ने वाणी में गाया है, आइए आप भी गाइए। बछड़े चुरावन आए ब्रह्मा, बछड़े चुरावन आए, ए बछड़े चुरावन आए ब्रह्मा, बछड़े चुरावन आए, ए कोई भेद समझ ना पाए वरगो, भेद समझ ना पाए, बछड़े चुरावन आए ब्रह्मा, बछड़े चुरावन आए, कोई भेद समझ ना पाए हरि का, भेद समझ ना पाए, नंद कहे मेरा नंद का नंदा, नंद कहे मेरा नंद का नंदा, पुत्र कहे वसुदेव, बछड़े चुरावन आए, बछड़े चुरावन आए ब्रह्मा, बछड़े वापिस गए। उस समय सभी इंद्र की पूजा करते थे, तो भगवान ने कहा भी इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा किया करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गैया चरती हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है, पेड़ पौधे हैं, हमें फूल औषधियाँ पुष्प फल देते हैं,
तो सब डर गए भी इंद्र की पूजा छोड़ दी तो अनर्थ ना हो जाए। तो भगवान ने कहा मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने कहा कि सब गोवर्धन की पूजा करेंगे, अपनी अपनी सामग्री लेके और गोवर्धन पर्वत पर चले। तो भगवान ने गोवर्धन का स्वरूप धारण किया और एक स्वरूप से इंद्र महाराज को जब मान भंग हुआ तो थोड़ा क्रोधित हो गए, ब्रज को डुबाने के लिए क्षण में कोटि मेघमाला को लेकर बरसने लगे। सब डर गए भी, सब अगर जल में डूब गए तो फिर हमारा कन्हैया क्या होगा। भगवान 7 वर्ष के थे, 7 कोस के गोवर्धन पहाड़ को 7 दिन तक अपनी चिची उंगली पर उठा कर रखा। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण क्या है, वो तो एक गैया चराइये थे, एक रास रचैया थे, स्त्रियों के पीछे रहते थे। भाई 7 दिन तक 7 किलो का बाट ठा के दिखा दो चिची उंगली पर। करतुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहिए कर सकते वो भी कर सकते हैं, और जो कोई भी नहीं कर सकता वो भी कर सकते हैं। करतुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम, भगवान करतार हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो अपनी चिची उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण किया, सब ग्वाल बाल गैयाओं को उसके नीचे रखा और सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, उसे जल को पी लिया, सब ब्रजवासियों की रक्षा की। और फिर वहीं पर पहली बार मीराबाई का घूंघट उठा था और भगवान की उस उंगली का जो गोबर धारण किए बेचा की थी उसका दर्शन हुआ था। वो द्वापर युग की माधवी जो भगवान से पीठ फेर कर भागती रही थी और भगवान ने कहा सब ग्वाल बाल गोपियां मेरे साथ जाएंगे गोलोक में, लेकिन तू तड़पती रहेगी, एक समय आएगा जब तेरे से मिलन होगा। वही द्वापर की माधवी जिन्होंने उस झाकी का गोवर्धन झाकी का दर्शन किया था, वही चित्तौड़ मेड़ता में मीराबाई बनी थी। वो बिछड़ी हुई गोपी थी, अपने टोल से बिछड़ गई थी, मेरे साथ की सब पहुंच गई मैं रह गई, इसलिए वो रोती थी इस जगत में मेरा मन नहीं लगता। तब से गोवर्धन भगवान की पूजा होती है, लोग जाकर परिक्रमा करते हैं और उन पे अपना दूध दही माखन चढ़ाते हैं। आइए आप भी आज यहाँ बैठे बैठे, हमारी समिति ने ये पूरा ब्रज मंडल तैयार कर दिया, पूरा गोकुल नगर बसा दिया, इतनी सुंदर हमारे समिति के भैयाओं ने झांकियां निकाली हैं, सजावट की है, बिल्कुल गोकुल जैसा ब्रज जैसा माहौल बना हुआ है। आप भी बैठे बैठे भाव से मानसिक रूप से चलो वृंदावन ब्रज की परिक्रमा करेंगे, गोवर्धन भगवान की आरती करेंगे और गोवर्धन भगवान को भाई लेकर आएंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज दया, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज दया, तेरे कानन कुंडल सोए तेरे Thank you.
बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। अब भगवान 11 वर्ष के हुए और कामदेव का मान भंग करने के लिए महारास लीला उत्सव किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि चांदनी रात और भगवान ने बंसी बजाई, त्रिलोक में भगवान की बंसी सुनाई दी। सब देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर आए और उस बंसी में सब ब्रज की गोपियों की आवाज़ सुनाई दी। एक एक गोपी जो अपने घर का काम कर रही थी अपनी अपनी आवाज़ सुनी। कोई गैया का दूध निकाल रही थी, कोई दही बिलो रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी और कोई सास ससुर की सेवा कर रही थी। तो सब छोड़ के ऊपर के कपड़े नीचे, नीचे के ऊपर, कहीं काजल डाला, कहीं बिंदी, कहीं टीका लगाया और सब की सब भगवान के पास चली गई और जंगल में महारास किया। और जब भगवान ने बंसी बजाई, शंकर भगवान भी सोचा मैं भी रास में जाऊं, लेकिन माँ पार्वती ने कहा वह पुरुष का प्रवेश नहीं है, वह स्त्री का प्रवेश है। ये काम लीला नहीं है, ये रास लीला यानी रसोई वैस है, परमात्मा रस है। अब आप सब रस ही तो लेना चाहते हैं, प्रेम रस, भाव रस, प्रभु का रस, तो रसोमयी लीला है, काम लीला नहीं है। अरे इतने बड़े योगेश्वर काम से युक्त कैसे हो सकते हैं? गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब कृष्ण गोपी का भोग कर फिर जति कहलाए, और जाके गत पाई नहीं ऐसे तिर बुन राए। उनकी गति को कोई नहीं पा सकता। हजारों हजारों गोपियां शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने इतने ही रूप धारण कर लिए और सब ने रास में भाग लिया और कैसी बांसुरी बजाई। आप मेरे साथ एक भजन में गुनगुनाइए। कैसी बजाई रे मुरलिया मोहन, कैसी बजाई मुरलिया, कैसी बजाई रे मुरलिया मोहन, कैसी बजाई रे मुरलिया, कैसा राज रचाया रे सांवरिया, कैसा राज रचाया, कैसा राज रचाया रे सांवरिया, कैसा राज रचाया, कैसा राज
उसके बाद भगवान ने 11.5 वर्ष तक चप्पल नहीं पहनी, सिले हुए कपड़े नहीं पहने भगवान ने, और 11.5 वर्ष तक किसी जीव को नहीं मारा। अब कंस ने धनुष यज रचा और अक्रूर को लेने के लिए भेजा भगवान कृष्ण और बलराम को। अक्रूर जी रथ पर लेकर भाव से आज भगवान का दर्शन होगा, जो मेरे मन की इतने वर्षों की इच्छा थी, मुझे चाचा चाचा कहकर पुकारेंगे और मेरे गले में लेंगे और मैं उनके चरण छूऊंगा, उनके साथ बैठकर भोजन करूंगा। तो अक्रूर जी जब लेने के लिए आए तो नंद बाबा के घर की तरफ रथ बढ़ा, सब ग्वाल बाल गोपियों ने सोचा कौन आया आज, तो पता चला भगवान को लेने के लिए आए, सब उदास हो गए। माँ यशोदा ने उस दिन नींद नहीं आई, मैं अपने कन्हैया के बगैर कैसे रह सकती हूँ, गायों ने घास नहीं खाया, बच्चों ने दूध नहीं पिया कि आज भगवान हमें छोड़कर चले जाएंगे, हमारे प्राण थे। भगवान ने सबको समझाया कि हम जल्दी आ जाएंगे। प्रातः हुआ, रथ तैयार किया गया, सजाया गया, सब गोपियां रोती हुई आई और राधा रानी भी आई। एक बहुत बड़ा पीछे प्रश्न खड़ा हुआ था, बड़ा वाद भी चला, बहस भी चली कि राधा कौन थी, उठा था ना टीवी पर रोजाना आप सुनते थे, बड़े वाद विवाद हुए कि कहीं भी ग्रंथों में वर्णन नहीं है। लेकिन भाई ग्रंथों में वर्णन है भगवान की लीलाओं का, और साधारण व्यक्ति पर नहीं, जो सिद्ध महापुरुष हैं उनकी वाणी पर विश्वास किया जाता है। राधा भी भगवान की आलादनी शक्ति थी, और चरणदास ब्रह्मचारी सहजोबाई के गुरु, बहुत सुंदर ग्रंथ है उनका, उन्होंने जगह जगह राधा का वर्णन किया है। राधा है जो आद शक्ति है, आलादनी शक्ति। हा राधे मम स्वामनी हे प्रीतम घनश्याम, वेग दर्श दे युगल वर पूर्ण करे मन काम। ऐसी जगह जगह युगल चरण बारिज वर्ण, छवि कुछ कही न जाए, पायल घुंघरु सज रहे छुम छुम शब्द सुनाए। श्री राधे राजेश्वरी सखियन की सरदार, दर्शायो चंद्रदासी को नितवर रास विहार। वंशी वटनी चे लखे श्याम राधिका साथ, गल भैया दीने युगल नवर लाड लीलाल। जगह जगह श्री राधे राजेश्वरी राजेश्वरी का वर्णन आया है। तो भाई साधारण व्यक्ति की बुद्धि पर नहीं, मैं संतों की, सिद्ध संतों की वाणी पर वर्णन करती हूँ। अगर कोई वाद विवाद करे, किसी को संशय हो, सदगुरु गरीबदास महाराज की वाणी श्री कृष्ण स्त्रोत में श्री राधा वरम हर्षिकेशम, वहां पर वर्णन आया है श्री राधा के वर, वर माने स्वामी पति। आप कहेंगे क्या भगवान 16108 रानियां के पति थे? पति माने केवल देहिक संबंध नहीं, पति माने स्वामी मालिक, संरक्षण करने वाला, रक्षण करने वाला, शरण देने वाला, सबका ध्यान रखने वाला, वो पति होता है। अब ये बताओ हमारे देश में राष्ट्रपति है, क्या हम सबका पति है? वो राष्ट्रपति जो सारे राष्ट्र का ख्याल रखता है वो राष्ट्रपति, ऐसे ही ये पद हैं। तो भगवान भी सबके परम पति हैं, इसलिए 16108 रानियां ऐसी स्त्रियां जो निष्कासित थी, समाज से अवहेलना की गई थी, प्रताड़ित की गई थी, शोषित की गई थी, नरकासुर से हजारों हजारों स्त्रियों को छुड़ाया गया था, उन सबको भगवान ने अपनी शरण में संरक्षण दिया था, ताकि ये बाहर कोई इनका शोषण ना कर सके। जैसे आज स्त्रियों का, कन्याओं का, बहन बेटियों का शोषण हो रहा है, ये मेरे पास में संरक्षण में रहेंगी। ऐसे थे भगवान योगेश्वर। तो भाई किसी को संशय हो, शरणदास ब्रह्मचारी का ग्रंथ उनको बताना, उसमें जगह जगह श्री राधे की लीला का, भगवान की लीला का वर्णन आता है। तो भगवान जब गोकुल को, वृंदावन को छोड़कर जाने लगे, सब रोने लगे, रथ के पीछे पीछे चलने लगे, और श्री राधा रथ के आगे खड़ी हो गई, रथ का पहिया पकड़ लिया। भगवान ने कहा जाते समय, मैं और आपको क्या दे सकता हूँ, जो मेरे होठों पर मुरली बजती थी। राधा ने झोली की और भगवान उसकी झोली में डाल गए। उसके बाद भगवान ने बांसुरी नहीं बजाई और मथुरावासी पीछे पीछे चल दिए, रोते हुए भगवान को कि कब आएंगे,
भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं जल्दी आऊँगा। आइए एक भावपूर्ण वाणी में भगवान का वियोग का एक भजन गुनगुनाइए। मथुरा नगर मत जाना हो काना मारा जीना लागे हो, मथुरा नगर मत जाना, मथुरा नगर मत जाना हो काना मारा जीना ब्रजवासियों को ढाढ़स बंधाते हुए मथुरा चले गए और सब बैठकर कोई रथ के पहिए के निशान को चूमता, कोई भगवान के चरणों को। अरे माता यशोदा नंद का जीवन तो जैसे निर्जीव होता है और बुढ़ापा आ गया था, रोते रोते सारा जीवन बीता उनका। फिर मथुरा में भगवान ने अपनी लीला की, कुब्जा का उद्धार किया और धोबी का किया, कंस का वध करके जेल से अपने वसुदेव पिता और माता देवकी को बंधन से छुड़ाया, उग्रसेन राजा को राजा बनाया और फिर भगवान द्वारका चले गए। 56 कोट यादव पूरी नगरी, इतने विवाह हुए भगवान के, पोता पोती हो गए, दादा बन गए भगवान। और भगवान के जब उज्जैन नगरी में गुरु घर में पढ़ने गए थे, उनके एक सखा थे बाल सखा सुदामा, लेकिन गरीब थे भगवान के, इसे के चने खा गए थे। भगवान राजा बने और वो गरीब रंक रह गए, घर में एक अन्न का दाना नहीं होता था, बच्चे भूखे रोते, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, खाने के लिए अन्न नहीं था। तो एक दिन सुशीला ने कहा कि आपके सखा है ना द्वारकाधीश, एक बार उनके पास चले जाना। तो सुदामा ने कहने लगा मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कैसे पहचानेंगे और मैं ब्राह्मण होकर मांग नहीं सकता। कहने लगी मैं मांगने के लिए कब कह रही हूँ, एक बार मिलकर आओ। तो बार बार कहने से, पड़ोस से,
दो मुट्ठी चावल के लेकर सुदामा द्वारका की तरफ चले हैं और कई दिन पैदल चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए और भगवान से मिलने गए तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहने के भी जाकर कहने देना ये भगवान के बाल सखा सुदामा आए हैं देखना और मेरा नाम सुनते ही भगवान मेरे से मिलकर आएंगे। तो वहाँ पर जो द्वारपाल है उनके साथ उलझ गए। कहेंगे मेरी स्थिति को जाकर बताना तो काख में पोटली है चावल की और हाथ में लाठी लिए नंगे पैरों और बिल्कुल हड्डी हड्डी सूखा हुआ शरीर सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं मेरे साथ आप भी इस भाव को गुनगुनाइए। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। तेरा यार सुदामा आया है। तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। ना सुदामा जी के हाथ से चावल खाए। ना बीबी है ना बच्चे हैं। ना बीबी है ना बच्चे हैं। वो तो लठिया देखता आया है तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। हाथ पकड़ कर खड़े हो गए और अपनी नगरी दिखाने लगे। भाव से गले मिलो सुदामा से। कह देना यार सुदामा से तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा हाँ।
उनके चरण धोए और बिना मांगे ही उनको बहुत कुछ दे दिया, कंचन महल खड़े कर दिए। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब संग सुदामा संत थे दरिद्र का दरिया, कंचन महल बख्श दिए तंदुल भेंट चढ़ाओ। दो मुट्ठी चावल के बदले और कंचन के महल खड़े कर दिए, सुदामा पूरी बसा दी। आज तक उनकी लीला गाई जाती है। तो भगवान की लीला बहुत बड़ी है, इस वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। मैं तो गाती रहूंगी, थक तो नहीं गए हैं, नहीं थके हैं, किसी के घुटने तो नहीं दुख रहे हैं। भाव से अश्रुपात करते हुए, हृदय गदगद करते हुए भगवान की लीला में डूबे हुए हो तो भगवान आपके हृदय में निश्चित रूप से विराजमान है, कहीं दूर नहीं है। सबके हृदय में आज भगवान उजागर हैं, बहुत खुश हैं, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने, राजसूय यज्ञ करवा के राजा बना दिया, भगवान दादा बन गए, पोता पोती दोता दोती सब हो गए। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का समय था, भगवान राजसी ठाट के साथ सब द्वारकाधीश वालों के साथ अपना बहुत सुंदर यहाँ पर टेंट लगाया कुरुक्षेत्र में। राजा बनने के बाद इतने वर्षों बाद वापिस आए, ब्रजवासियों को पता चल गया हमारे कन्हैया आए हैं, रोते हुए भेंट लेकर कि आखिरी समय है, किसी को दिखाई नहीं देता था कब कन्हैया गए थे। बूढ़ी बूढ़ी गुजरियाँ गुजर दूध दही की मटकियाँ लेकर, हो सकता इस धरती पर आखिरी मिलन हो, भगवान भी दादा बन गए हैं, हमारी भी आखिरी अवस्था है, आज अपने लाला का दर्शन करेंगे। गोपियाँ आई, राधा भी आई, 11 वर्ष की आयु में राधा को छोड़कर गए थे भगवान। टेंट के बाहर यशोमती मैया और नंद बाबा ने कहा, हम कन्हैया से मिलना चाहते हैं। राधा भी खड़ी थी, भगवान बाहर आए, अंदर ले गए टेंट में, बहुत सुंदर सजा था। सबसे मिले, बड़ों के चरण छुए भगवान ने, गोपियों से मिले, राधा के पास आकर खड़े हो गए। राधा ने आखिरी प्रश्न पूछा भगवान से, सुनाओ, एक ही कहा था, कन्हैया सुनाओ, बांसुरी नहीं बजाओगे? भगवान बांसुरी वहीं छोड़कर आ गए थे। आखिरी समय भगवान ने अपनी पीड़ा सब ब्रजवासी और राधा के सामने व्यक्त की थी। मैं आपको कुछ पंक्तियों में सुनाऊंगी भगवान ने क्या कहा था। संसार से जाते जाते भी बांसुरी ही सुनाऊं, मेरी पीड़ा कोई नहीं सुनेगा। मथुरा से पैदा होते ही भाग्या, फिर ब्रज से भाग्या, फिर मथुरा छोड़कर, ब्रज छोड़कर रणछोड़ कहलाए, द्वारका भी छूटने वाली है, गीता भी सुना दी अर्जुन को, और यहाँ आखिरी अश्रुपात करते हुए भगवान शायद अपनी पीड़ा को उड़ेलना चाहते हैं। क्या कहते हैं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, मथुरा छोटी छोटी द्वारका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं, बंसी छोटी गोकुल छोटा, कब तक चक्कर उठाऊं राधा, कब तक चक्कर उठाऊं। जिस जिसको मारना पड़ा भगवान ने चक्कर भी धारण किया, लोगों ने गालियां दी। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता, महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। और अभी कितने जन्मों तुम तुझसे दूर बता बिताऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। सब कुछ छूटा, महाभारत का युद्ध हुआ, कभी अश्वत्थामा का वध करवाया, कभी गांधारी ने पट्टी खुलवाई, उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया, जा तेरा कुल नष्ट हो, कभी द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वहां चीरों में प्रवेश किया, कभी शांति दूत बनकर गए, कोरो में दुर्योधन ने इतनी गालियां सुनाई थी भगवान को, और फिर
पिछले जन्मों में मैं राम था, तुम सीता थी, तब भी दूर दूर रहे, 14 वर्ष का वनवास मिल गया, फिर अयोध्या में वापिस आ गए, फिर अलग हो गए। तो कह लगे कब तक रीता रीता फिरता रहूंगा जन्मों में। बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, बचपन में ही राक्षसों को मारना पड़ा, पूतना वध, सक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर मारने आते थे। एक दिन के बच्चे को जेल में पैदा होता है और माँ से दूर कर दिया जाता है। ढोते कटी जवानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी, सांसें आनी जानी। लोग नहीं समझते थे कि मेरे साथ लीला करे भगवान, मेरे जीवन में षड्यंत्र चलते रहे, मैं लीला लीला में सबको धराशायी करता रहा। युग की आंखें अमृत पीती रही, मुझे तक तक कर अधूर मधुर देखे सपने, पर पीड़ा ना पहचानी। इस पीड़ा को यार सुदामा कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीता गाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। सारा युग सोचता था भगवान रस दें, लेकिन मेरी पीड़ा नहीं पहचानी। मेरे हदरों पर मुरली रही, लेकिन हो सकता है अंदर से पूतना भी जहर पिलाने के लिए आ गई थी। फिर सुदामा आया, उसके कंचन महल दे दिए, लेकिन दुर्वासा ने आकर श्राप दे दिया, 56 कोट यादव नष्ट हो जाए, द्वारका जल में डूब जाए। दूसरे के बसाते रहे, लेकिन अपना खत्म करते रहे, अपने सिर पर लेते रहे। और फिर देखिए, दो माओं ने लाड लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। देखिए मैं तालियों की आवाज चाहूंगी आपसे। दो माओं ने लाड लड़ाया, किसने? देवकी और यशोदा ने। दो चेहरों ने चाहा, कैसी दुविधा रही होगी, किसने? राधा और मीरा ने। एक समय के साथ थी, लेकिन मीरा समय के साथ नहीं थी, मीरा तो युग के बाद हुई है। फिर भी भरी द्वारका में राधा, खुद को अकेले पाया। भरी द्वारका थी, लेकिन मैं अकेला था। मेरा क्या अपराध के मेरा गांव गली घर छूटा, आंचल से बिछड़े बच्चे को पिता मर में लिपटाया। जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। जन्म होते ही माँ से बिछड़ गया था, कपड़े नहीं थे, पीताम्बर लपेट दिया। पीताम्बरधारी भगवान कहने लगे हमारी रक्षा करेगा। जमुना में ही कूदना पड़ा, काली दय का नाथ नथैया बना, सारे जग को अमृत पिलाता रहा, लेकिन स्वयं जहर की घूट पीता रहा। जग भर के अपराध सदा है, अपने शीश उठाए हैं, दूसरों को मुक्त किया, सबके अपराध अपने सिर पर लिए। रस का माखन सबने चाखा, पर चोर हम ही कहलाए। सबने माखन खाया, खाया ना ग्वाल वालों ने, सबने माखन रस भर खाया, पर चोर हम ही कहलाए। सब भगवान के सिर पर मना गया। जो लोग शिकायत करते हैं, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे सिर पे बुराई क्यों आती है, भगवान के सिर पर भी आई, राम के सिर पर आई, कृष्ण के सिर पर आई, कबीर साहब के सिर पर आई बुराई, गरीब दास के सिर पर आई। मीरा पर लांछन लगे, राधा पर इल्जाम लगे, फिर तुम क्यों घबराते हो, हम किस खेत की मूड़ी हैं, हमें कौन बख्शेगा जगत में, हमें भी कोई नहीं बख्शेगा, हमें भी जिसके मन में जो आएगी वो कहेंगे। भगवान कहते हैं रस का माखन सबने चाखा, पर माखन चोर हम ही कहलाए। युग के दुर्योधन को जब तक अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गंधारी के, पर श्राप हम ही ने खाए। पांडव को जिताया, कौरव मरे, लेकिन श्राप किसने खाया? भगवान ने खाया। गंधारी ने कहा अरे देवकी के पुत्र, जैसा मैं अपने पुत्रों को मरते हुए देख रही हूँ, मेरा कुल नष्ट हो गया, ऐसे तेरा भी होगा। पर गंधारी के साप खाए, मुझको गले लगाओ ना, या फिर मैं ही तुम्हें लगाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। सारा ब्रज, गोकुल, द्वारका, मथुरा, सब सोचते थे भगवान आए गले लगाए, भगवान आए गले लगाए।
मैं ही लगाता रहूंगा या कोई ऐसा जगत में है जो आकर मुझे गले लगाए। मुझे लगता है वो आखिरी डिमांड थी भगवान की कि तुम सब आए हो। ब्रजवासियों ने रोते रोते भगवान से आलिंगन किया। माँ यशोदा, नंद बाबा, राधा, अब वो भी बुजुर्ग हो चुकी थी 80-90-100 साल की, और रोई भी हैं, आह्लाद भी किया। उसके बाद भगवान ने वापिस द्वारका चले गए, अपनी लीला समेटी और सब अंतर ध्यान होने लगे। और भगवान के चरण में उस जो बाली था, व्याध बनकर आया था, उनका बाण लगा और भगवान शरीर सहित अंतर ध्यान हो गए। गरीब बाण लगाया बालिया पर बाशत्र के माही, सूंदे ही सुरगे गए पर यहाँ कुछ भी छड़त नाही। शरीर नहीं मिला था भगवान कृष्ण का, शरीर सहित जैसे कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए। गरीबदास महाराज ने वाणी में लिखा है, तो भगवान की ऐसी पावन लीला है जो हमारे अंतस मल को साफ करती है, भाव जगाती है और कल दूतों को साफ करती है, भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ाती है। ऐसी पावन लीला को भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव पर आपने बहुत भाव से श्रद्धा से श्रवण किया। श्री बा के बिहारी तेरी आरती गा, जा।
दर्शन भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, गोचरैया भगवान की जय हो, रास रचैया भगवान की जय हो, त्रिलोकीनाथ भगवान की जय।